नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। हम हमेशा बहुत ज़्यादा रिच नहीं खा सकते, थोड़ा हल्का फुल्का रेसिपी भी हमें दिखाना चाहिए। तो मैं आज बहुत ही एक सिंपल सा एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि है ब्रोकली और आलू की सब्जी, जो कि रोटी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये सब्जी जो है थोड़ा सा सूखा टाइप का बनेगा, इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड किए हैं। जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा भुन जाता है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप किए, बारीक नहीं पतले पतले स्लाइसेस किए हुए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को ऐड करने के बाद इसे थोड़ा अच्छे से भूनना होगा, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक मैं इस प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 प्याज जो है वो मैंने यहाँ पर स्लाइसेस करके मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे, करीबन 2 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कट किए हुए पोटैटो जो कि मैंने थोड़े बड़े साइजेस में थोड़े से कट किए हैं, अगर आपको थोड़े छोटे साइजेस में पसंद है तो आप अपने हिसाब से उस तरीके से कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आलू ऐड करके फिर इसको आलू को अच्छे तरीके से भून लूँगी, जब तक कि आलू गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना होता है। तो हम इसे करीबन 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम से हाई फ्लेम में। हम इसे 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसे चलाते रहना होगा जिससे कि प्याज जो है वो जल ना जाए, इसीलिए हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। 3 मिनट बाद जब आलू फ्राई हो जाएगा उसके बाद जो ब्रोकली को मैंने पहले से थोड़े से गर्म पानी में उसे बॉईल कर लिया था, जस्ट 2 मिनट के लिए इसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ब्रोकली को बॉईल करके मैंने इसमें ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद जब सब्जी को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम इसे 3 मिनट के लिए ढक देंगे। जैसे ये थोड़ा सा 3 मिनट बाद देखिए ये जो ब्रोकली और पोटैटो थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा चला लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड किए हैं, बहुत ही कम मसाले में इसको बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा ये रिच नहीं होता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून में इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार मैं नमक इसमें ऐड करूंगी। और जो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं दूंगी वो है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद के लिए। और एक चीज़, ब्रोकली को जब मैंने इस ऐड किया था उसमें ही मैंने हरी मिर्च को भी बीच से कट करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इन मसालों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। करने के बाद फिर हम करीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक देंगे जिससे कि ये जो सब्जी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो सके, क्योंकि ये सब्जी जो है वो हमें थोड़ा सा मैश टाइप का चाहिए होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। इसे हमने 3-4 मिनट के लिए देख सकते हो ढक के मैंने पकाया है, इसका रंग जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल एक छोटा जो कप होता है उसका 1 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि हम इसमें ग्रेवी नहीं रखेंगे, इसे थोड़ा सा सूखा टाइप का बनाएंगे, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। करने के बाद अब हम इसको फिर से ढक देंगे और इसे हाई फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम में हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 5 से 6 मिनट बाद ये जो ग्रेवी बहुत थिक हो चुकी है और ये सब्जी भी बिल्कुल थोड़ा सा मैश टाइप का हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गई है। आज के लिए बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।